साथियों नमस्कार। परिचय बताना चाहूंगा द्वारिका साहू अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड से, और आज मैं आपको तुरई सब्जी में अल्टोस और एक अनिट्टी का रिजल्ट को लेकर के आप लोगों के बीच मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट होने जा रहा हूं। साथियों हमने अपने खेतों में ऐसी खाने के लिए थोड़ा सा तुरई सब्जी लगा दिए थे जो ओरेगा मिट्टी के छिड़काव के बाद इतना बड़ा बड़ा हो गया है और लगातार हम लोग सब्जी खा रहे हैं और इतना ज्यादा इसका पैदावार हो रहा है कि इसको मैं हमारे आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं देना चालू कर दिया हूं। तो लगातार ये जो खेत है इस खेत में हम लोग अल्टोस का जो ओरेगा मिट्टी है जो मल्टीपर्पज घोर है जो जैविक उत्प्रेरक खाद है इसी को हम लोग छिड़काव करते आ रहे हैं। 2-3 साल से उसी खेत में डाल रहे हैं और उसी खेत को हम लोग धनहा बनाए हैं तो उसका मिट्टी को मेड़ में पार में डाल दिए हैं और उसी में इस सब्जी को डाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा ये तुरई जो है हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी है। तो सुखदेव वर्मा सर को मैं एक दिन ला के दिया था, आप सब्जी खाओ सर और स्वाद बताना करके। तो सर जो है इस सब्जी को आज खा करके आए हैं साथियों। तो सर मैं आपको तुरई दिया था तो स्वाद कैसा लगा सर? बहुत ही बढ़िया द्वारका जी, मैं बताना चाहूंगा इसकी क्वालिटी के बारे में, क्योंकि मैंने इस अभी सीजन में 3 से 4 बार मैंने तुरई का सब्जी खाया है मार्केट से खरीद करके। आप लोग भी खाए होंगे मेरे को ऐसा विश्वास है। तो आप एक बार जब इसको खाएंगे सर तो वाकई आप इसका तारीफ करेंगे, क्योंकि मेरे को एक बार फर्स्ट बार द्वारका जी के माध्यम से प्रोडक्ट मिला है और इस प्रोडक्ट को और मार्केट का जो प्रोडक्ट है सब्जी है उसमें आप देखेंगे सर, तुलना करेंगे तो इसमें और उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। इसकी रंगत को देखिए, इसकी चमक को देखिए और मार्केट में जाकर के उसको तुलना करके देखिए। साथ ही साथ ये तो दिखने की बात है, अगर इसको आप पका करके खाएंगे तो जो मार्केट के सब्जी में जो स्वाद मिला है और इसमें जो स्वाद है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इतना पौष्टिक, इतना स्वादिष्ट मीठा है कि मैं ओरेगा मिट्टी का तारीफ करने के लिए मैं मजबूर हूँ जी सर। और हर कोई किसान को मैं सजेशन दूंगा कि ओरेगा मिट्टी का अपने फसलों में सब्जियों में उपयोग करें और वो भी स्वादिष्ट सब्जी और अनाज के उत्पादन में। तो बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट है दोस्तों। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि देखो अभी थोड़ा डंठल तोड़ा हूँ और इसकी क्वालिटी को देख लो, इतना साफ स्वच्छ है। मार्केट का देखेंगे तो ग्रीन हो जाता है, इसमें देखो अभी कितना सफेद चमकदार है जी। अभी तोड़े थोड़े देर पहले तो देखो कितना लंबा लंबा फल लगा हुआ है और कितना चमकदार फल है। मार्केट में ऐसा आपको तुरई नहीं दिखेगा। तो आप जो भी सब्जी को उत्पादन करते हैं, जो भी फसल उत्पादन करते हैं, तो ओरेगा मिट्टी का छिड़काव जरूर करें और अपने फसलों को, अपने सब्जियों को और अपने फल फ्रूट को तरोताजा फल फ्रूट लें और अपने सेहत को अच्छा रखें। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा साथियों, ये देखिए साथियों तुरई को, ये लगभग अगर फीट में बोला जाए तो 1.5 फीट लंबा है और बहुत पतला है और एकदम कोमल है, मुलायम है। तो जाहिर सी बात है स्वाद जबरदस्त होने वाला है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस तुरई सब्जी को मैं आदरणीय गुरुदेव श्री लीलन मानिकपुरी सर के लिए लाया हूं और धीरे धीरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को देने वाला हूं। बस आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अल्टोस।